नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसकेजी आर्ट। आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगा स्टील लाइफ किस तरह से प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। दोस्तों, स्टील लाइफ का प्रॉपर मेजरमेंट के लिए हमें पहले एक सेंटर लाइन लेना है, और जैसे हम ये सेंटर लाइन मेन मिडल ऑब्जेक्ट का सेंटर लाइन ले रहे हैं, और इसका हाइट कितना होगा वो हम एक इमेजिनरी लाइन टॉप लाइन ले रहे हैं, और बेस में हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ तक ड्राइंग करना है उसका थोड़ा सा लाइन ले रहे हैं। हर एक ऑब्जेक्ट का हम साइड बाय साइड नीचे का ऊपर का सारा इक्वल एक इमेजिनरी पॉइंट हम रख लेंगे। फिर सबका पैरेलल और मेजरमेंट एक्यूरेट होना चाहिए। उसके लिए हम पहले टोटल ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली कितना पोर्शन ये घेर रहा है और वर्टिकली कितना पोर्शन घेर रहा है उसका देखना पड़ेगा। हम एक इमेजिनरी हम लाइन क्रिएट कर लेते हैं। पहले जो फर्स्ट जो फ्रंट में जो ऑब्जेक्ट है पहले हम उसको क्रिएट करेंगे, और इसका जो भी फ्रंट का ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट का कोने से हमें एक वर्टिकल लाइन खींच के उसका एक्चुअल मेजरमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। ये आपका हेक्सागन का बेस है, और इसमें हम ये कोने का कितना एंगल बन रहा है वो एंगल को हमें देखना है, और सामने वाला लाइन का ये पैरेलल एक ऑपोजिट लाइन का पैरेललिज्म होता है, ऑपोजिट लाइन का हमें पैरेलल देखना पड़ता है। और हर एक बॉक्स एक एक रेक्टेंगुलर बॉक्स डेवलप हो रहा है, और लाइन को हमें फोर्सफुली खींचना है। इसका एंगल्स को हमें ध्यान रखना है कि कितना बैंड है, और मेजरमेंट करते हुए आगे कितनी तरफ कितने ये जा रहा है, फिर एक डिस्टेंस इसका पर्सपेक्टिव, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पर्सपेक्टिव है हमें देखना है। जब भी हम एक लाइन खींचते हैं तो सामने वाला ऑब्जेक्ट का जो कितना कॉर्नर डेवलप हो रहा है उस कॉर्नर का एक हिसाब से हमें पैरेलल लाइन खींचना है ऑब्जेक्ट जो सामने है उसका साथ मिला के। हर एक कॉर्नर को हम मिलाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कॉर्नर आप में है, कौन सा कॉर्नर नीचे है, वो हमें ख्याल रखना है। ये बिल्कुल सीधा जैसा है इसका कॉर्नर का साथ ये मैच कर रहा है, ये कॉर्नर से ये थोड़ा नीचे होगा, हाँ यहाँ पे होगा। और देखिए जितना भी गलत पोर्शन से वो हमें बाद में हम बाद में मिटा सकते हैं। इसको अगर हम अपर कॉर्नर देखना है किस तरह से किसका साथ किस कोने का साथ किस कहाँ पे एक्चुअली इसका सिमिलरिटी है डिसिमिलरिटी है, कितना अप एंड डाउन है, ये हमें ख्याल रखना है। ये पहला ऑब्जेक्ट हम लगभग तैयार कर चुके हैं। अभी इसका रिलेटेड हम बाकी ऑब्जेक्ट को वो करेंगे, एक्स्ट्रा जो लाइंस डेवलप है उसको हम मिटा रहे हैं। पहला ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा क्लियर करके इसके बाद हम दूसरा ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। हर एक कोने से एक स्ट्रेट लाइन खींचना ज़रूरी होता है, इससे हमें ऑब्जेक्ट का एक्यूरेसी पता चलता है, ये कहाँ पे है, इसका बैलेंस कहाँ पे है। थोड़ा सा मैंने शेडो इसका शेडो का पोर्शन बना दिया। अब ये बेस है, ऑपोजिट ऑपोजिट लाइन सारे पैरेलल में है, ये हमें ध्यान रखना है। ये जग का पोर्शन यहाँ से आपका हैंडल शुरू हो रहा है, ये जग का बॉडी यहाँ पे, और ठीक इसका बेस देखिए, हम इसका थोड़ा नीचे से थोड़ा डार्क पोर्शन से ये कपड़े में ढका हुआ है जग, थोड़ा सा इसका बेस लाइन बना लिया हमने कि यहाँ तक आएगा होगा और ये कितना डिस्टेंस तक जाएगा। देखिए ठीक है, तो हम ये दूसरे ऑब्जेक्ट का सेकंड जो हम ये वुडन ऑब्जेक्ट रखा है इसका बेस बना लेते हैं। ये सेंट्रल लाइन यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा सेंट्रल लाइन यहाँ पे होगा जो मिडल ऑब्जेक्ट का। अब हम इसका हाइट देखना है, बेस कितना गैप है ये देखना है, इसका कितना डबल है, ये थोड़ा सा अंदाजे में हमें करना पड़ता है पहले, फिर इसका एक्यूरेसी देख के हमें इसका एक्चुअल मेजरमेंट ऑटोमेटिकली एक दूसरे ऑब्जेक्ट के हेल्प से निकालना है। इसका बेस ये कपड़े से थोड़ा सा ढका हुआ है, इस कोने से ये थोड़ा सा आप है, ऊपर है इस ऑब्जेक्ट के कोने से, इसीलिए हमें
थोड़ा सा ये, हाँ ये क्रिएट करके देखना है। अब हम कोशिश करेंगे कि इसका एक्चुअल गैप, और कि वुडन लकड़ी है, वुडन ऑब्जेक्ट है, उसका वुडन टेक्सचर भी हमें डालना है। ये ओवल एक शेप ऊपर की तरफ, हमें इसका मोटापे का भी ध्यान रखना है, कितने साइड में इसका ज़्यादा वो हो जाता है, बीच में थोड़ा कम, वो हमें देखना है। राउंड धीरे धीरे जो भी गलतियां हैं वो हम सुधार सकते हैं ऑब्जेक्ट का। ये साइड से हम एक सीधा लाइन खींच रहे हैं कि ये डंडा जो है इसका अंदर का, ये थोड़ा सा सीधे लाइन से बाहर जा रहा है। वर्टिकल लाइन हम साइड से लेके खींच सकते हैं। वर्टिकल लाइन के लिए हमें ज़्यादा हेल्प नहीं चाहिए, वर्टिकल लाइन कभी गलत नहीं हो सकता। उसको लेके हम ऑब्जेक्ट कितना टिल्ट है, कितना बेंड है उसका, ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में है क्योंकि ये दूर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मोटा होगा। अंदर की लाइन हम मिटा देते हैं। अब हमें जग का पोर्शन देखना है, बेस है कितना है, यहाँ से जग का पोर्शन शुरू होगा। दोनों ऑब्जेक्ट हम वर्टिकली खींच लेते हैं। इसका जो नेगेटिव स्पेस है, जो गैप है, वो उसको भी हमें ध्यान रखना है। कहाँ से इसका नेक आता है, नेक सीधा सीधी डंडी का हिसाब से नेक आता है। यहाँ पे ये ट्रायंगल डेवलप हो रहा है, जो कि नेगेटिव स्पेस, जो स्पेस डेवलप होता है उसे हमें ख्याल रखना है। नेगेटिव स्पेस मतलब जो ऑब्जेक्ट हम ड्राइंग कर रहे हैं लेकिन जो बैकग्राउंड का साथ जो एक इल्यूशनिस्टिक स्पेस डेवलप हो रहा है, उस स्पेस से हमें ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए, उसका एक्यूरेट ड्राइंग के लिए हेल्प करते हैं। इसका नेक थोड़ा सा ये अंदर की तरफ होगा। थोड़ा सा राउंड, थोड़ा सा यहाँ पे डार्क पोर्शन से हो गए, और जितना भी गलती है हम उस गलतियों को मिटाते जाएंगे। लेकिन जो लाइंस मैंने खींचे वो अभी नहीं, तो शेडिंग का टाइम पे जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ मिटाएंगे। मोस्टली वो लाइन रहने देना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को पता चले कि हम किस तरह से मैंने मेजरमेंट किए हैं ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे ये हैंडल का पोर्शंस, अंदर का गैप देखना है, जो नेगेटिव स्पेस है हमें वो चीज़ को देखना है, उससे पॉजिटिव स्पेस बनाने के लिए बहुत आसान होगा। ये हाईलाइट का पोर्शन है, ये हैंडल का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा यहाँ पे मोटा होगा, और ये रिफ्लेक्टिंग लाइट आ रहा है। मोस्टली हम जब स्टील ऑब्जेक्ट ड्राइंग करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का मटेरियल वैल्यू हमें डेवलप करना है, कौन से मटेरियल में बनाना है, बन रहा है, भले हम पेंसिल्स में करें, कलर्स में करें, अगर उसका मटेरियल वैल्यू डेवलप नहीं होता है तो हमारा स्टील लाइफ कंप्लीट नहीं है। ये शेडो है, शेडो में हल्का सा मार्जिन करके रखता हूँ कि हमें शेडिंग के टाइम में इसका कोई प्रॉब्लम ना हो। हर एक ऑब्जेक्ट एक वर्टिकल लाइन से हमें इसको एक्यूरेसी देखना है किस तरह से होता है। अब थोड़ा सा हम ड्रेपरी की तरह देखते हैं, ड्रेपरी किस तरफ से है। सेपरेशन हम बना लेते हैं, शेडो में इसका सारा डिटेल्स निकल के लाएंगे। अभी तो मैं इस स्टिल लाइफ में ऑब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दूंगा, ड्रेपरी में ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। ड्रेपरी के लिए अलग से एक क्लास बना होगा, जिसके लिए जहाँ पे आप ड्रेपरी को कैसे बारीकी से कर सकते हैं, यहाँ पे शेडो पोर्शन होगा। हर एक ड्रेपरी कहाँ से कौन सा आ रहा है, इसका एक फोर्सफुली हम इसका इमेजिनेटिव लाइन और जो विजुअल हमें दिख रहा है उस तरह से एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं। ये आपका ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम शेडिंग के लिए एक दूसरे पेपर हम रखते हैं क्योंकि हाथ गंदा ना हो। पहले हम 2B से करेंगे,
शेडिंग के लिए हम अपर पोर्शन से इस्तेमाल करेंगे, अपर पोर्शन से जो बैक ऑब्जेक्ट है उससे, मतलब जो जग है स्टील का उससे शुरुआत करेंगे। आइए शुरू करते हैं। एक हल्का सा टोन देंगे पहले, हाईलाइट को छोड़ते हुए शेडिंग करना है। कर्सिव शेडिंग कर रहा हूँ मैं, और ध्यान रखना कि हमारा जो पेंसिल का स्ट्रोक्स है वो एक ही तरह हो, जितना हम इसको ऑब्लिक के लिए जितना हम कर्सिव कर रहे हैं उतना ही कर्सिव हमेशा रखने की कोशिश करना चाहिए। पहला एक टोन दे रहा हूँ, इस तरह से हम हल्का टोन देंगे पहले। और कंट्रास्ट होने के लिए उसका आसपास डार्क पोर्शन रहता ही रहता है, ये हमें ध्यान में रखना है हमेशा। मोस्टली आर्ट कॉलेज के एंट्रेंस में स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट ड्राइंग आप लोगों को मिलता है, उसके लिए इस तरह से करने से सफिशियंट है। ये नॉलेज को भी दर्शाता है, आपका स्टिल लाइफ करने की जो प्रक्रिया है ये बहुत सारे सही प्रक्रिया में से ये एक प्रक्रिया है जो बेसिकली स्टूडेंट्स को पहले सीखना ज़रूरी होता है। जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, इसके अलग अलग तरीके हैं स्टिल लाइफ का शेडिंग करना, पेंसिल शेडिंग करना, ये हम बताते जाएंगे। अलग अलग कामों में अलग अलग स्ट्रोक्स की ज़रूरत पड़ता है। स्टिल लाइफ में हम बहुत तरह के स्ट्रोक्स कर सकते हैं, अभी मैं फिलहाल एक ही स्टाइल का आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ध्यान रखना चाहिए पेपर गंदा ना हो, इसीलिए हम बेस में जो पेपर लेके रखें वो साफ सुथरा होना ज़रूरी है। हाईलाइट को छोड़ते हुए हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा रिफ्लेक्टिंग लाइट है, हल्का पेंसिल टोन इसमें। ये टूबी का स्ट्रोक्स चल रहा है अभी, रिफ्लेक्टिव टोन। यहाँ पे थोड़ा डार्क है, मोस्टली स्टूडेंट्स हाथ से रब करके शेडो बनाने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल ही गलत प्रक्रिया है। वैसा आप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि उससे आपका स्ट्रोक्स बनाने की जो हाथ का जो प्रैक्टिस है वो नहीं होगा, और आपका काम में वो स्किल नहीं दिखाई देगा वहाँ पे। जो इजी प्रोसेस है एक्चुअली, हमें वो हाथ से खींचने वाले इजी प्रोसेस को अवॉइड करना है। ये 4B है, डार्क को हम दो तीन बार करके उसको डार्कनेस बढ़ा रहे हैं कि हाईलाइट अच्छे से दिखे और ऑब्जेक्ट स्टील का लगे। अलग अलग टोन होते हैं, अलग अलग शेड्स होते हैं, उसका हमें ध्यान रखना है कौन कितना सा डार्क है कितना सा हल्का है। थोड़ा सा ज़्यादा डीपर के लिए हम 8B पेंसिल ले रहे हैं। ये 6B, सॉरी 4B। प्रोसेस है, पहले हल्का टोन, फिर हम धीरे धीरे हाईलाइट को छोड़ते हुए बाकी टोन्स को डेवलप करेंगे। आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट में प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कि आपका
स्ट्रोक्स अपना कंट्रोल में रहे और आप उतना ही प्रेशर दे जितना आपको शैडो सेट्स की ज़रूरत है, ये ध्यान में रखना है। जो लाइट हमने छोड़ा है उसके ऊपर एक टोन बिठा दें कि हल्का टोन, हल्का लाइट दिखाई दे। यहाँ पे हाईलाइट को हम छोड़ के काम करेंगे। स्टील ऑब्जेक्ट का एक खासियत है, इसका हाईलाइट में आपका प्योर वाइट दिखता है, इसे रिफ्लेक्टिंग लाइट में हल्का टोन रहता है और ग्रेजुअली इसका जो वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम को हम टोनल ग्रेडिएशन से इसको निकालना है हमें। धीरे धीरे हम डीप पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। जैसे हम डीप पोर्शन में स्केचिंग करते हैं या शेडिंग करते हैं तो हमारा पेंसिल का थोड़ा सा प्रेशर हम बढ़ाते हैं। ये रिफ्लेक्टिंग टोन के लिए हम थोड़ा सा हल्का टोन, एक टोन पहले दे रहे थे। एक लिमिटेड टाइम में हमें इसको कंप्लीट करना होता है। इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी आपको शायद दिख रहा होगा लेकिन ये ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम में आपको 1.5 आवर मिलता है ये काम करने करके दिखाने के लिए। और मिनिमम यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है, कभी आपको 5 ऑब्जेक्ट भी मिल सकता है, कभी 2 भी मिल सकता है, मोस्टली आर्ट कॉलेजेस में। एक बार में ही हम डीप टोन नहीं डाल रहे, पहले हल्का टोन डाल के फिर डीपर टोन में काम करते हैं। जहाँ जहाँ डीप है वहाँ पे हम दोबारा 3 बार 3 टाइम्स 4 टाइम्स हम पेंसिल करेंगे अलग से, जब तक जो एक्यूरेट डीप है वहाँ तक नहीं आया जाए। डार्क पेंसिल से भी करेंगे। डार्क पोर्शंस के लिए हम 8B 6B यूज़ कर सकते हैं। एट बी सिक्स बी आपका सबसे ज़्यादा डार्कर टोन देते हैं, इसीलिए हम 8B और 6B ज़्यादा डार्कर पोर्शंस में यूज़ करते हैं। स्ट्रोक्स का ध्यान रखना, इसका डायगोनल जो एक पैटर्न बन रहा है उस पैटर्न में थोड़ा सा गलती नहीं होने पाए, हमें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि एक ही एंगल में हम स्ट्रोक्स को खींच सकें। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम का भी ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट का लाइट एंड शेड कहाँ पे कितना डीप है, कहाँ पे कितना लाइट है, रिफ्लेक्शंस लाइट, हाईलाइट, हर चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए स्ट्रोक्स करते हैं। ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन एरिया है हम उसको थोड़ा हल्का रखना है क्योंकि स्टील ऑब्जेक्ट में मिरर की तरह एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है, हम इसको छोड़ते हुए जाएंगे। नीचे की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है यहाँ पर। बार बार स्ट्रोक्स को बढ़ाने से हमें अलग अलग टोन मिलते हैं, एक बार में हम डीप नहीं कर सकते।
पेंसिल सेटिंग्स में अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का जो लाइटिंग सेट है उसको अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। हमें ज़रूरी है बहुत ज़्यादा ध्यान देना स्टिल लाइफ में, खासकर स्टिल लाइफ में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसी से हमें लाइटिंग सेट का नॉलेज डेवलप हो जाता है। जो आप अगर कोई पेंटिंग बनाएं या कोई कंपोजिशन बनाएं, उसमें लाइट एंड शेड ही मेन चीज़ है, जिसका बेसिक नॉलेज हम डेवलप कर सकते हैं हर एक ऑब्जेक्ट में। नेचर में भी हम जाते हैं तो कोई राउंड ऑब्जेक्ट, कोई स्टील ऑब्जेक्ट, नेचुरल ऑब्जेक्ट हमें मिलता है, वुडन ऑब्जेक्ट हमें मिलता है, उसका ऊपर किस तरह से शेडिंग होगा। पेंसिल शेडिंग करने का मेन उद्देश्य यही है कि हम लाइट एंड शेड प्रॉपरली सीख लें और इन एंड प्रॉपर स्ट्रोक्स डीपर को ज़्यादा बढ़ाने के लिए एड भी पेंसिल्स का इस्तेमाल। रिफ्लेक्टिंग लाइट को थोड़ा सा और थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का मटेरियल वैल्यू हमें ध्यान देना है। मटेरियल वैल्यू का मतलब हो गया आपका स्टील का ऑब्जेक्ट स्टील लगना चाहिए, वुडन ऑब्जेक्ट वुडन लगना चाहिए पेंसिल स्ट्रोक्स में, तभी आप सक्सेसफुल होंगे, तभी आपका काम अच्छा माना जाएगा। ये क्वालिटी होते हैं फाइन आर्ट का खासकर। दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश है, रिफ्लेक्टिंग लाइट में अलग अलग पैटर्न डेवलप हो रहा है, उसका कितना पोर्शन सेट करना है, कितना पोर्शन, कितना टोन उसका डाउन करना है, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग से लेके शेडिंग तक आपको फुल कॉन्फिडेंटली काम करना है, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इरेजर का इस्तेमाल ना के बराबर हो तो ज़्यादा अच्छा है। टोन का ग्रेडिएशन में हमें अपना एक्सपीरियंस को ही हम इस्तेमाल करते हैं, जो एक्सपीरियंस हमारे आँखों ने हमें हमारे ब्रेन में डेवलप किया है कि कितना टोन गाढ़ा होना चाहिए, कितना डीप होना चाहिए, कितना लाइट होना चाहिए, उसका जो ग्रेडिएशन है, उसका जो टोन वैल्यू है, उसको हम अपना अंदाज से ही कर सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से आपको रेफरेंस या कुछ ऐसा कुछ नहीं मिल सकता, वो आपका एक्सपीरियंस ही आपको वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। अगर आप मेरा चैनल से ये इस तरह से सीखना चाहते हैं तो आप इसको करके मुझे मेल भी कर सकते हैं। हाईलाइट के पास थोड़ा सा डार्क टोन बढ़ा रहा हूँ, जिससे हाईलाइट वो ज़्यादा हाईलाइट दिखे।
पेंसिल्स को हम ठीक जितना ज़्यादा हो सके उतना दूर पे पकड़ें, और बिल्कुल पास पकड़ना बहुत गलत होता है, उससे आप नहीं कर पाएंगे शेडिंग। इसका ऑब्जेक्ट के ऊपर ये शेडो डेवलप हो रहा है जो लकड़ी का वो है उसके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है आप ऑब्जेक्ट को कितना प्रॉपरली ड्राइंग करते हैं। अगर आपका ड्राइंग सही नहीं है तो आप सिर्फ शेडिंग में आप जितना भी मेहनत कर ले तो ऑब्जेक्ट डिसप्रोपोर्शनेट लगेगा और अप टू द मार्क्स नहीं होंगे कि आपको सिलेक्शन में मिल जाए। जैसे इंटरव्यू वगैरह होते हैं आर्ट कॉलेजेस में, मैं उसी का बात कर रहा हूँ। और सीखने के लिए आप घर में बहुत बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट का प्रैक्टिस करते हैं करिए। और ड्राइंग करने के लिए आप फोर्सफुल लाइंस का ही इस्तेमाल कीजिए। मैंने लाइन के बारे में पहले आप लोगों को बताया हुआ है, किस तरह से ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए हम कॉन्फिडेंट लाइन होना ज़रूरी है। और डिफरेंट आप एंगल का हेल्प ले सकते हैं ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली एग्जीक्यूशन करने के लिए। हर एक ऑब्जेक्ट हम जब ड्राइंग करने के लिए जाते हैं उसका अलग अलग कॉर्नर हमें मिलता है, अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न मिलता है, ऑर्गेनिक पैटर्न मिलता है। उस पैटर्न का हेल्प लेके एक कोने का दूसरा कोना कितना अप एंड डाउन है वो सारे देख के हम इसको एक्यूरेटली ड्राइंग कर सकते हैं। और एक्यूरेट ड्राइंग ही आप जब शेडिंग करेंगे उसका बेहतरीन एक रिजल्ट आपको मिलने का उम्मीद है। हैंडल में पहले एक टोन हाईलाइट को छोड़ के सेम प्रोसेस आप टोटल सारे ऑब्जेक्ट में आपको करना है हाईलाइट को छोड़ के। बहुत सारे आर्टिस्ट हाईलाइट के लिए बाद में इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, ये इस प्रोसेस के लिए गलत है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका जो विज़न है, आप जिस तरह से ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसमें कमी नज़र आता है। तो आप अगर हाईलाइट को छोड़ के जाते हैं, हाईलाइट के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं, तो बाद में आपको इरेजर यूज़ करके उसका हाईलाइट निकालना पड़ता है। हम वो नहीं करेंगे, हम पहले ही देखते रह जाएंगे, हाईलाइट को छोड़ते हुए जाएंगे, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट को देखने की जो प्रक्रिया है वो भी सही होगा, और इससे हम एक्यूरेट ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे और हमारा विज़न भी अच्छा होगा। हैंडल का सेंटर में ज़्यादा डीप है, पीछे से आपका रिफ्लेक्टिंग टोन और सामने से हल्का हाईलाइट। अब हम ये दूसरा ऑब्जेक्ट शुरू करते हैं, इसका ये थोड़ा सा शेडो है, शेडो को हम पहले बना लिए। इसका टॉप और साइड दो साइड में हाईलाइट है, डायरेक्टली इसमें लाइट आ रहा है, हमें सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है उसमें भी हमें हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें सिर्फ इसका डार्क पोर्शन को बनाना है और शेडो को एक ही तल में, लेकिन इसी पोर्शन पे डिफरेंट टोन है, रिफ्लेक्टिव टोन है कपड़े का, इस तरफ थोड़ा सा डार्क है इस कोने में।
एक जिगजग पैटर्न डेवलप हो रहा है, उसको भी आपको ख्याल रखना है। तो उस पैटर्न से ऑब्जेक्ट का जो एक्यूरेसी है उसको समझने के लिए आसान होगा। थोड़ा सा डार्कर पेंसिल यूज कर रहा हूँ इस कोने में। इस तरह का ज्योमेट्रिकल शेप्स में आपका जो कॉर्नर है उसको ध्यान रखना है। डार्कनेस बढ़ाने के लिए हम फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन भी करना पड़ेगा, तो उसको करना होगा। अब हम ये वुडन ऑब्जेक्ट में सेम प्रोसेस। जब हम वुडन ऑब्जेक्ट में करते हैं, इसका जो हाईलाइट है उसका ऊपर भी एक टोन आएगा। वुडन ऑब्जेक्ट का जो हाईलाइट है वो इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगा जैसे स्टील ऑब्जेक्ट में है। और दूसरी हमारे जो ये ज्योमेट्रिकल शेप्स है आपका पास हेक्सागन, उसका ऊपर भी इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं है। फिर भी हमने उसको वाइट रखा है क्योंकि डायरेक्टली हाईलाइट उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके येलो कलर की वजह से हमें इसको वाइट रखने की ज़रूरत है। वुडन ऑब्जेक्ट में जो हाईलाइट है उसको भी हम एक टोन डाउन करेंगे। वॉल्यूम को ध्यान रखते हुए ऑब्जेक्ट ड्राइंग जरूरी है। सॉरी। मोस्टली हर एक ऑब्जेक्ट का स्टिल लाइफ में सिमिलर प्रोसेस है। हम हाईलाइट को छोड़ते हुए अगर स्टिल ऑब्जेक्ट में है उसके लिए उसका हाईलाइट वाइट रखेंगे, अगर वुडन ऑब्जेक्ट है उसका हाईलाइट थोड़ा सा डाउन रखेंगे। इसी तरह से हम लाइट से डीप टोन की तरफ बढ़ते हैं। यही प्रोसेस है सब में, आपको इसी पैटर्न से ही करना है। और जो कार्सिफ लाइन्स है उसका ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है कि आप टोटल स्टिल लाइफ में इस तरह से ही आप
जो एंगल है उसी एंगल में आप सेटिंग कर सकें, उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वॉल्यूम को ध्यान रखना है, फ्लैट नहीं बनाना है, हाईलाइट और जो टोन उसका राउंड है, 3D क्वालिटी है, उस क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हमें, और हमारे सामने ऑब्जेक्ट जब है, ऑब्जेक्ट में सारा लाइटिंग से दिख रहा है, तो हमें उसको टोटली एज इट इज एग्जीक्यूट करना है, डेट्स ऑल। ऑब्जेक्ट वैल्यू आपका एक्सपीरियंस के बाद वो अलग ऑटोमेटिकली निकल के आता है। अंदर की पोर्शन डार्क रखते हुए हल्का 2B का टोन यहाँ पे थोड़ा सा देना पड़ेगा, क्योंकि हाईलाइट नहीं रख सकते, वो डेन ऑब्जेक्ट है। बस उसी हिसाब से हम ऑब्जेक्ट का जो बॉडी है उस बॉडी में सेटिंग करते हैं। सेम प्रोसेस, पहले एक टोन दे लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कहाँ पे कितना डीप है, कितना लाइट है, उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। कभी भी हम अपना उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है घिस के, रबिंग करके या किसी ऑब्जेक्ट से रब करके हमें इसका टोन को डेवलप नहीं करना है, क्योंकि वो बिल्कुल ही गलत प्रोसेस है। उस प्रोसेस से आपका जो स्किल लेवल है वो डेवलप नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप घिस के भी आप अच्छी एक ऑब्जेक्ट का रेप्लिका बना सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस गलत है, क्योंकि उससे आपका स्किल डेवलप नहीं होगा और आइंदा आप वो कर भी नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऑब्जेक्ट में आप का उंगली लगाना वो गंदा हो जाता है और दिखने भी अच्छा नहीं लगता है। एक्यूरेट नॉलेज डेवलप करने के लिए हमें एक तो पेंसिलिंग का स्किल्स डेवलप करना है, और दूसरी तरह से जो शेडो है उसका नॉलेज भी डेवलप करना है। ये लाइफ टाइम आप जितना भी पेंटिंग करेंगे, हर पेंटिंग में लाइट एंड सेट का एक अलग महत्व होता है, उस महत्व को हमें समझना है, उसको सीखना है। मैं जो प्रोसेस आप लोगों को बता रहा हूँ ये बिल्कुल जो आर्ट कॉलेजेस में बच्चों को सिखाया जाता है प्रॉपर लाइट एंड सेट, उसी प्रोसेस में आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। कोशिश करें इसको फॉलो करने के लिए। अभी पहला टोन के बाद ये थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है, इसका डीपर टोन सेकंड टोन और थर्ड टोन जब आएगा उसका डायमेंशन ऑटोमेटिकली आएगा। ऑब्जेक्ट में आप देखिए जहाँ जहाँ डीप है हम वैसे डीप को इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
नीचे की तरफ इसका रिफ्लेक्टिव टोन के लिए हल्का हो रहा है, वो भी हमें ध्यान रखना है। जैसे स्टील ऑब्जेक्ट पीछे जो जग रखा है उसका जो हाईलाइट की जगह है, इसका भी हाईलाइट की जगह सेम है, लेकिन स्टील ऑब्जेक्ट का जो हाईलाइट है वो काफ़ी ब्राइट है और वाइट है, और वुडन ऑब्जेक्ट का जो हाईलाइट है वो बिल्कुल माइल्ड है। हमें ये चीज़ को ध्यान रखना है, यही एक्चुअल नॉलेज है किस तरह की ऑब्जेक्ट में, किस तरह की मटेरियल में किस तरह का हाईलाइट डेवलप होते हैं। अगर डार्क की बात करें तो हम डार्क प्रोपोर्शन लगभग सिमिलर ही होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्टिव और हाईलाइट इन दोनों को ध्यान देना है, ये अलग अलग मटेरियल के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ये अलग एंगल से ये स्ट्रोक्स का डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा है। एक एक सिंगल स्ट्रोक्स आपको दिखाई दे रहा है। टोटल काम को करने के लिए आपको मैक्सिमम 1.5 आवर में कंप्लीट करने की कोशिश करना है। पहली बार में शायद नहीं होगा, और दूसरी तीसरी बार आप जैसे जैसे बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो 1.5 आवर में ये कंप्लीट होगा। एक्चुअली जितना टाइम आप दे पाएंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन ये ज़रूरी है कम से कम आप 1.5 आवर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। ड्रेपरी में हम जो डार्कर पोर्शंस है और शेडो ऑब्जेक्ट का जो शेडो है उसका पैटर्न को समझते हुए वहाँ पे पहला टोन देना है हमें, फिर धीरे धीरे सिमिलर प्रोसेस में ही हम इसका डार्कर टोन डेवलप करेंगे, और जो क्लॉट है जो ड्रेपरी है उस ड्रेपरी को बनाने की कोशिश करेंगे। ड्रेपरी का मैं आप लोगों के लिए अलग से क्लास लूँगा, जहाँ पे किस तरह से फाइन ड्रेपरी आप डेवलप कर सकते हो उसके लिए। ड्रेपरी में थोड़ा सा स्ट्रोक्स का पैटर्न हमें चेंज करना पड़ता है कहीं कहीं पे, क्योंकि क्लॉट्स को जितना इसका फोल्ड्स है उस फोल्ड के हिसाब से ये ज़रूरत है, जिससे इसका जो ड्रेपरी का जो फ्लेवर है क्वालिटी है वो निकल के आता है। पेंसिलिंग का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है इस एंगल से। हर एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपरली हम शेडो को पहले डेवलप कर लेते हैं। हमें याद रखना है पहले हमें
ड्रेपरी में पहले शेडो को ही बनाएंगे और जितना लाइट है, हाईलाइट है, उसको व्हाइट छोड़ते हुए जाएंगे। हल्के से हल्का टोन को भी हमें नहीं छोड़ना है। हमें अच्छा, जितना अच्छा तरह से हम इसको विजुअलाइज करेंगे, जितनी अच्छी तरह से हम इसको देखेंगे, हमारा जो नज़र है वो भी पक्का होगा और हम समझ पाएंगे हर चीज़ को, उसको किस तरह से ड्रेपरी किस तरह से प्ले करते हैं, ड्रेपरी किस तरह से डेवलप होते हैं और ड्रेपरी को हमें किस तरह से ड्राइंग करना है। जैसे हम ऑब्जेक्ट का शेडो बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट निकल के आता है, इसका क्वालिटी भी और ज़्यादा थ्री डायमेंशनल हो जाता है और हम डिस्टेंस क्रिएट कर पाते हैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट से और बैकग्राउंड से ऑब्जेक्ट को अलग कर पाते हैं शेडो की वजह से। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, शेडो की वजह से हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर पाते हैं अलग से, ऑब्जेक्ट को हम रिलीव कर पाते हैं बैकग्राउंड से। ड्रेपरी में बहुत सारे स्ट्रोक्स हैं, हमें ये ध्यान देना है। हल्के से हल्का स्ट्रोक्स हमें यहाँ पे मेंटेन करना ज़रूरी है। शेडो पर्सन को एक्यूरेटली हमें एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन क्वालिटी और रिलीफ क्वालिटी है उसमें थोड़ा फर्क आएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक हमें इसका शेडो का साथ खेलना है और ड्रेपरी में किस तरह से इसका शेडो पैटर्न डेवलप हो रहा है वो हमें ध्यान देना है। पहले हल्का एक टोन दे लें, फिर हम इसको डीप करते जाएंगे। स्टील जग का शेडो जो है ड्रेपरी में किस तरह से आ रहा है, जहाँ भी थोड़ा सा हल्का हाईलाइट हो हमें उसको छोड़ते हुए जाना है ड्रेपरी में भी, और ऑब्जेक्ट में भी हाईलाइट को हमें छोड़ के करना है कि बाद में इसको इरेज करके हाईलाइट निकालना ना पड़े। किसी भी आर्टिस्ट के लिए स्टिल लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर आप स्टिल लाइफ को स्किप करते हैं, अगर आप स्टिल लाइफ ज़्यादा नहीं करते, आप डायरेक्टली आप पेंटिंग और ड्राइंग करते हैं तो गलती तो बहुत ज़्यादा होगा। स्टिल लाइफ हमें ऑब्जेक्ट का एक्यूरेट एग्जीक्यूशन सिखाते हैं, स्टिल लाइफ हमें लाइट एंड शेड सिखाते हैं, स्टिल लाइफ हमें मटेरियल का जो वैल्यू है उसको डेवलप करवाते हैं। स्टिल लाइफ नॉलेज एक प्रकार से स्टिल लाइफ आर्ट एंड क्राफ्ट का, फाइन आर्ट का नॉलेज का भंडार है। आप यहाँ पे इतने सारे नॉलेजेस आपको मिलते हैं, एक बाद में जब आप एक पेंटिंग बनाते हैं उसमें इस नॉलेज का भरपूर इस्तेमाल होता है, लाइट एंड शेड का, किस तरह से आप ऑब्जेक्ट का क्वालिटी डेवलप करते हैं, थ्री डायमेंशनल क्वालिटी डेवलप करते हैं, ये स्टिल लाइफ बहुत आपको हेल्प करता है इन फ्यूचर।
देखना ज़रूरी है और करना भी ज़रूरी है। और मोस्टली आजकल टीचर्स स्किप कर जाते हैं, इतना पेशेंस टीचर्स के पास शायद नहीं होता है। मुझे जितना दूर तक पता है, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जितना कोशिश करेंगे उतना काम आपका भी अच्छा होगा, और ये ध्यान में रखें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता है। जब भी हम कभी डायरेक्टली पेंटिंग करते हैं तो हमारा बहुत सारे लेक होते हैं कि हम कहाँ पे शेडो डाले। मोस्टली शेडोज में ही प्रॉब्लम आता है। वो हम तय नहीं कर पाते कि ऑब्जेक्ट डायमेंशन, ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है वो किस तरह से डेवलप करें, सोच नहीं पाते। अगर आप स्टिल लाइफ करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। सिर्फ देखना ज़रूरी नहीं होता है, उसका साथ साथ मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मोस्टली हम काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों को ये सब बात बताते हैं, रिफ्लेक्शंस के बारे में, ऑब्जेक्ट का थ्री डायमेंशनल क्वालिटी के बारे में, स्ट्रोक्स के बारे में, ये जानना ज़रूरी है। डार्क पोर्शन में बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक बार एक पोर्शन को डार्क करते हैं तो उसको लाइट नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर फर्स्ट स्ट्रोक्स लाइट देते हैं तो आप उसको फिर दोबारा जहाँ ज़रूरत है वहाँ डार्क कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आप डार्क कर लिया फिर आप उसको लाइट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको इरेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मेरा जो टीचिंग ग्रामर है उसमें इरेजर का इस्तेमाल ना के बराबर है, और जितना हो सके आप भी उसको अवॉइड करें। एक्चुअली किसी भी आर्टिस्ट के लिए जब वो ड्राइंग करता है, इरेजर उसका जो ड्राइंग स्किल है, उसको आर्टिस्ट का जो ड्राइंग स्किल है, स्टूडेंट्स का जो ड्राइंग स्किल है, उसको इरेजर रोकता है उसको बढ़ने के लिए। क्योंकि हम इरेजर जब होते हैं हम सोचते हैं कि हम कुछ भी ड्राइंग कर ले और उसको अगर गलत हो तो इरेज कर देंगे, अगर गलत हो तो इरेज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट होते हैं इरेजर, जिसे हम इरेज कर सकते हैं। तो उस एक इरेजर का भरोसा में ना रहे, आप ऐसा काम करें कि आपको पहली बार में सही हो और इरेज करने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसमें आपका एक्चुअल स्किल डेवलप होगा। और मेरे हिसाब से इरेजर को तो बिल्कुल फेंक ही देना चाहिए। इरेजर हमारे काम के लिए हमारा स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बाधा क्रिएट करते हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ गलती हो जाए तो आप उसको इरेज नहीं कर सकते। इस तरह से ये कोरा कागज़ हमारा ज़िंदगी जैसा ही है, जो व्हाइट पेपर है हमारा ज़िंदगी जैसा ही है। जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमारा पेंसिल स्ट्रोक्स है। एक बार हम गलत स्ट्रोक्स लगा दिए तो जैसे लाइफ में अगर हम गलत काम कर लिए तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल है, उस दाग को मिटाना मुश्किल है। वैसे ही एक कोरे कागज़ पर अगर आप उस डार्कर पोर्शंस को आप डेवलप कर लेते हैं, उसको मिटाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि पेपर के लिए इरेजर है, लेकिन लाइफ के लिए इरेजर नहीं है।
एक आर्टिस्ट जब एक ऑब्जेक्ट में कंसंट्रेट करके उसको हूबहू बनाने की कोशिश करता है, स्टिल लाइफ करता है, ये एक प्रकार का मेडिटेशन है। आपका पेंसिल्स का टू में आपका पॉइंट में आपका नज़र रहता है कि ये स्ट्रोक्स कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, और आपका कंसंट्रेशन टोटली ये पेपर स्क्वायर में ही रहता है, इसका बाहर आपका जाता नहीं। ये वन काइंड ऑफ मेडिटेशन है। इससे आपका माइंड पावर भी डेवलप होगा, पढ़ाई में भी आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन लेवल डेवलप हो जाता है। मोस्टली जो बच्चे ड्राइंग अच्छा कर सकते हैं उन बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल हाई होते हैं, और एक इंटरेस्ट की भी बात है, आपको जो ऑब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उसमें आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होते हैं। ये इतना पेशेंस रखना ज़रूरी है, और आप अगर पेशेंस रखेंगे ज़्यादा आपका काम अच्छा होगा, आप ध्यान दे पाएंगे ज़्यादा, और विदाउट पेशेंस कुछ नहीं होगा। मोस्टली लोग बोलते हैं ये साधना की काम है, हाँ वाकई ये साधना ही है। हम पेंसिल पेपर लेके जब हम घंटों उसमें बैठ जाते हैं ये एक साधना ही है। जैसे हम अगर भगवान का पूजा अर्चना करते हैं तो उसमें एक मन से करना होता है, वो भी एक साधना है। हम किताबें पढ़ते हैं वो भी एक साधना है। जो भी कर्म हम करते हैं दिल से करते हैं मन से करते हैं, और संपूर्ण तन मन सब एक जगह ध्यान केंद्रित हो जाता है, वो एक साधना है, मेडिटेशन है। और मेडिटेशन से आपको हर तरह की नॉलेज डेवलप हो सकता है, सिर्फ ये लाइट एंड सेट की बात नहीं है। अब किसी भी प्रॉब्लम का सोल्व आप मेडिटेशन से कर सकते हैं। ध्यान लगाना जरूरी है, ध्यान लगा के आप ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली देख पाएंगे, उसका लाइट एंड शेप देख पाएंगे। आपका अगर ध्यान कंसंट्रेशन ना हो, ध्यान आपका कंसंट्रेशन एक जगह में ना हो, तो आप ना ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाएंगे, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन आप सही से नहीं कर पाएंगे, और उसको एग्जीक्यूट भी आप ड्राइंग भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अच्छा से देखना जरूरी है, ध्यान लगा के देखना जरूरी है, हर एक पहलू को देखना जरूरी है, कहाँ लाइट है कहाँ शेड है, हाँ किस तरह से ऑब्जेक्ट पैटर्न डेवलप कर रहा है, कहाँ पे कितना ज़्यादा हाईलाइट है, उसको कंपेयर करना आपका पेपर हाईलाइट से, ये सब ज़रूरी है। ये धीरे धीरे एक ऐसी आदत बन जाता है आर्टिस्टों के लिए। हाँ ये किसी भी तरह की लाइट एंड शेड से, किसी भी तरह की ये लाइट एंड शेड का जो नॉलेज है, तो किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आसान हो जाता है उसके लिए, क्योंकि उनका अंदर ये स्टिल लाइफ का नॉलेज होता है, और इसमें लाइट एंड शेड का प्रॉपर आपको ज्ञान प्राप्त होता है। इसी से आप हर एक ऑब्जेक्ट का आप बखूबी इसको निभा सकते हैं। ह्यूमन फिगर्स हो कुछ भी हो आप बना सकते हैं। बेसिक्स ABCD है लाइट एंड शेड के लिए, स्टिल लाइफ ये बेसिक ABCD है। अगर आप इसको स्टिल लाइफ को आप अच्छे से कर पाए तो आप ह्यूमन पोर्ट्रेट से लेके इन एनी ऑब्जेक्ट आप ड्राइंग कर सकते हैं, एनी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो आप उसको ड्राइंग कर सकते हैं, एनिमल्स हो नेचर हो प्रकृति हो कुछ भी हो, ह्यूमन फिगर हो। जब आप लाइट एंड शेड का पैटर्न समझ लेते हैं किस तरह से ऑब्जेक्ट, एक राउंड ऑब्जेक्ट में किस तरह का लाइट एंड शेड डेवलप होता है, एक फ्लैट ऑब्जेक्ट में किस तरह का लाइट एंड शेड डेवलप होता है, एक स्टील ऑब्जेक्ट में किस तरह का लाइट एंड शेड डेवलप होता है, एक शीशे का बोतल जो कांच का बोतल होते हैं उसमें किस तरह से लाइट एंड शेड डेवलप होता है, अगर वो हम प्रैक्टिस कर ले एक बार, तो कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी फिगर कोई भी ह्यूमन फेस हम सब कुछ बना सकते हैं। लेकिन आपको बेसिकली पहले स्टिल लाइफ करना ज़रूरी है। मोस्टली देखा जाता है जब कुछ बच्चे पोर्ट्रेट बनाते हैं, हाँ वहाँ पे 100% एक्यूरेट नहीं कर पाते हैं,
अगर कोई बच्चा एक स्टिल लाइफ को एक्यूरेटली नहीं ड्राइंग कर पाता है तो वो पोर्ट्रेट बनाना उनके लिए उतना आसान नहीं होगा। अगर अगर वो स्टिल लाइफ प्रॉपरली करते हैं, स्टिल लाइफ को प्रैक्टिस अगर प्रॉपरली करते हैं, तो उसके लिए ये सारे पोर्ट्रेट बनाना, लैंडस्केप बनाना, कोई पेंटिंग बनाना, उसके लिए काफ़ी काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। उनको सिर्फ कंपोजिशन में दिया तो एक नॉलेज है कंपोजिशन, उस कंपोजिशन को डेवलप करना होता है। कंपोजिशंस का बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मैं उसका भी क्लास लूँगा आप लोगों का। तो कंपोजिशन अगर सही हो तो आपका लाइटिंग सेट सही होगा। अगर आप वास्तविक कोई आउटडोर करने के लिए जाते हैं पेंसिल्स में, अगर उसमें ड्राइंग आपका प्रॉपरली विथ पर्सपेक्टिव होगा, विथ गुड प्रोपोर्शंस होंगे, वेल प्रोपोर्शंस होंगे, एक्यूरेट प्रोपोर्शंस होंगे, तो आपका लाइटिंग सेट से उसका एग्जीक्यूशन भी बहुत बहुत खूबसूरत होगा। इस एंगल से आपको ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इलोंगेटेड दिखाई दे रहा होगा, ये आपका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव एंगल में है ये। क्लियर किस तरह से पेंसिल से स्ट्रोक्स निकल रहा है, इसके लिए ये एंगल हमने यूज़ किया है कि आप लोग अच्छा अच्छी तरह से सीख सकें कि कैसे मैं करता हूँ, उसको आप लोग फॉलो कर सकें। आप लोग अगर इसका 50% भी कर लेते हैं तो मेरा जो मेहनत है वो सार्थक होगा। हाँ, मेरा मानना यही है कि बच्चों को अगर मैं सही ढंग से सिखा पाऊँ, उसके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, और कोशिश है आप लोग भी इसको समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको फॉलो करने के लिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ। ज़रूरी है, पेंसिल का प्रेशर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हल्के पोर्शन में हमें हल्के स्ट्रोक्स के लिए बहुत हल्का स्ट्रोक्स लगाना पड़ता है। थोड़ा सा यहाँ ये इरेज करना पड़ेगा, ये जो लाइन है। वो ऑब्जेक्ट का इस तरह से एक्यूरेसी के लिए हमने उस लाइन को यूज़ किया था। थोड़ा सा कोई इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ रह गया, यहाँ पे इरेज कर देते हैं। लगभग आपका स्टिल लाइफ मैंने कंप्लीट कर दिया। कुछ कुछ पोर्शन से उसको मिटाना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।